हेलो फ्रेंड, आई एम होस्ट दोस्त अनिल कुमार गौर। वेलकम बैक टू द गौर अनिल चैनल। आज मैं आपके सामने वर्ड सीरीज़ में कुछ और लेके आया हूँ, समथिंग न्यू। कुछ अमेजिंग शॉर्टकट कीज़ और कुछ चीज़ों में डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा आज अपने वर्ड के ट्यूटोरियल्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ बेसिक लेवल पर हम पहले बात करेंगे दो चीज़ों की, एक बैकअप बैक स्पेस की एंड द डिलीट की। सभी लोग जानते हैं कि बैक स्पेस एंड डिलीट से सेम वर्क होता है, बट ऐसा नहीं है, दोनों में टू डिफरेंट है। पहली चीज़ बैक स्पेस क्या होती है, वो किसी भी टेक्स्ट को उसके एंड से डिलीट करती है, और डिलीट की क्या होती है, वो किसी भी डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट को फ्रंट से डिलीट करती है। चेक करते हैं, पहले यूज़ करते हैं बैक स्पेस। जैसे कर्सर की पोजीशन हमारी एंड पे है, द लास्ट टेक्स्ट के लास्ट पोजीशन पे, तो हम यहाँ पे बैक स्पेस करते हैं तो देख सकते हैं वो डॉक्यूमेंट को डिलीट कर रहा है एंड से। अगर हम बात करते हैं डिलीट की, डिलीट क्या करता है, वो जब कर्सर की पोजीशन हमारी होम पे होती है या फ्रंट पे होती है तो हम चेक करते हैं डिलीट बटन यूज़ करते हैं, तो टेक्स्ट को हमेशा हमारे फ्रंट से डिलीट कर सकते हैं, चेक करते। तो यही बेसिक डिफरेंस है, जो डिलीट की है वो हमारे डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को फ्रंट से डिलीट करता है, और बैक स्पेस की भी हमारे टेक्स्ट को बैक से डिलीट करता है। तो पहली शॉर्टकट की थी। अब हम बात करते हैं दूसरी शॉर्टकट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम आप सबने अंडरलाइन तो की होगी, सब लोग ने अंडरलाइन, जैसे कि पता है शॉर्टकट की अंडरलाइन की। पहले कंट्रोल से सिलेक्ट करते हैं, शॉर्टकट की अंडरलाइन की होती है कंट्रोल यू। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस पे भी अंडरलाइन है। अगर हम चाहते हैं ओनली वर्ड अंडरलाइन, सिर्फ वर्ड पर अंडरलाइन, स्पेस पर अंडरलाइन ना रहे, तो हमारे पास एक और शॉर्टकट की है, अमेजिंग शॉर्टकट की, बहुत लोगों को नहीं पता, मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, तो शॉर्टकट की का नाम है कंट्रोल शिफ्ट डी। नाउ यू चेक इट, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट जी, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, सॉरी फॉर दिस, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू का यूज़ करके आप चेक कर सकते, देख सकते हैं ओनली वन अंडरलाइन। आप चेक करें, देखिए खाली वर्ड पर अंडरलाइन, स्पेस पर अंडरलाइन नहीं हो रही है, चेक कर सकते हैं आप, देख रहे हैं कोई भी स्पेस पर अंडरलाइन नहीं। ये शॉर्टकट की है, अगर आपको वर्ड पर अंडरलाइन है ओनली वर्ड अंडरलाइन विदाउट स्पेस, तो यूज़ करते हैं कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू फॉर ओनली वर्ड अंडरलाइन। अब बात करते हैं अनदर शॉर्टकट कीज की, ये भी अंडरलाइन से रिलेटेड है। अगर आप चाहते हैं डबल अंडरलाइन करना टेक्स्ट के ऊपर डबल अंडरलाइन, तो यूज़ करते हैं डबल लाइन शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट डी डबल अंडरलाइन। बट इसमें एक कंडीशन है, इसमें स्पेस को अंडरलाइन होगी, इसके लिए कोई शॉर्टकट की नहीं। आप अगर डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं यूज़ करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डी। ये थर्ड की थी हमारी शॉर्टकट की, अगर डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं टेक्स्ट को तो कंट्रोल शिफ्ट डी। अब बात करते हैं हमारी अदर शॉर्टकट की। अगर आपने कोई सेंटेंस या कोई लेटर टाइप किया है, कोई टाइम ड्यूरेशन चेक करना चाहता है, आपने कितने वर्ड कितने पैराग्राफ कितने टेक्स्ट टाइप किया, तो एक शॉर्टकट, जैसे हम टाइप करते हैं एक सेंटेंस, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग, ये एक ऐसा सेंटेंस जिसमें अल्फ़ाबेट्स के सारे करेक्टर्स आ जाते हैं ए बी सी डी के, तो हम चाहते हैं कि हम काउंट करना चाहते कितने वर्ड है कितने करेक्टर्स हैं, तो समझते हैं कंट्रोल शिफ्ट जी, चेक करते हैं कि वर्ड काउंट आता है, वर्ड काउंट करता है। इसमें वर्ड काउंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं आप चेक कर सकते हैं, पेजेस कितने पेजेस टाइप के वो दिख सकते, स्टेटस बार पे वर्ड्स आपने 9 टाइप किए। यहाँ पे ऑप्शन दिए करेक्टर एंड नो स्पेस, करेक्टर और नो स्पेस में डिफरेंस है। अगर आप चेक कराए कितने करेक्टर, तो आपने 36 करेक्टर टाइप किए हैं, और स्पेस भी एक करेक्टर चूज़ किया था, इसलिए स्पेस को भी करेक्टर, पैराग्राफ वन है और लाइन वन है। तो ये शॉर्टकट की थी, अगर आप चाहते कितने लेटर कितने वर्ड टाइप किए कितनी लाइन टाइप की, तो यूज़ करते हैं कंट्रोल शिफ्ट जी अगेन, ठीक है। दिस इज अ शॉर्टकट वर्ड काउंट। आप लोग ने बहुत सारे फ़ोन में स्क्रीनशॉट तो लिया ही होगा, तो मैं बताऊंगा अगर आपको कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेना हो तो कैसे लेंगे, कौन सी शॉर्टकट का यूज़ करेंगे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकें। यह भी आपके कंप्यूटर में दी होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो मैं आप आज को बताऊंगा कैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं कंप्यूटर में। कीबोर्ड में एक शॉर्टकट की एक बटन होता है जिसका नाम है प्रिंट स्क्रीन। आप प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करते हैं तो इसकी शॉट जनरेट हो जाता है, लेकिन ये सेव नहीं होता ऑटोमेटिकली। आपको यहाँ पर इसको प्रिंट करने के लिए चाहिए होता है कंट्रोल वी, पेस्ट करना पड़ता है शॉर्टकट की, पेस्ट की कंट्रोल वी। आप चेक कैसे, देखिए स्क्रीनशॉट आ गया आपका, जैसा कि आप मोबाइल में यूज़ करते हैं वैसे कंप्यूटर में भी आपके सामने स्क्रीनशॉट आ गया है। अगेन चेक करते हैं इसको, फिर से यूज़ करके देखते हैं। जैसे आपको इतनी शॉर्टकट की लेनी, जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट यहाँ से भी ये स्टार्ट कर लिया, अब इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है, प्रिंट स्क्रीन बटन को प्रेस करते हैं और एंड में आके कंट्रोल वी पेस्ट बटन यूज़ करते हैं, देख सकते हैं आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगर आज मैंने आपको 5 शॉर्टकट की बताई, पहली शॉर्टकट की ओनली वर्ड अंडरलाइन, दूसरी डबल अंडरलाइन की, तीसरी वर्ड काउंट की, चौथी प्रिंट स्क्रीन की, और साथ में डिलीट एंड एडिट में डिलीट और बैक स्पेस में डिफरेंस बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस तरह के और वीडियोस चाहिए हैं तो प्लीज़ शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड नाइट।